लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। भाजपा के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 92वीं पुण्यतिथि आज प्रदेश सहित इंदौर में मनाई गई। इंदौर के विजयनगर पापड़ चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 92वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को स्मरण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान समर्पण राशि 11 लाख रुपए बताई गई। मौजूद विधायक और पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोहे ने इसकी शुरुआत की, साथ ही मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी समर्पण की रसीद कटवाई। इस अवसर पर पूर्व सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोहे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जमीन के संघर्ष में कार्यकर्ताओं को बताया। वहीं वरिष्ठ नेता मोहे ने बताया कि दिल्ली चुनाव के परिणाम आ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कभी भी गलत साबित हो जाते हैं, आप शाम तक रुक जाइए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। नतीजे भी आने वाले हैं और एग्जिट पोल में उनको बढ़त बता रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए अब चुनाव परिणाम आज आ जाएंगे। एग्जिट पोल हमेशा बिल्कुल ठीक ही होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के बारे में ही पिछली बार जो एग्जिट पोल था वो करेक्ट नहीं था, और इसलिए थोड़ा हम इंतज़ार करें, दो तीन घंटे बाद जो सही पिक्चर है वो सामने आ जाएगा। और जाएगा साढ़े पकड़ लूँ हाँ। पंडित जी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखा है, तो समर्पण राशि भी आज इकट्ठा हुई है, कितना हुआ है? देखिए, दीनदयाल जी का जीवन ये पार्टी के लिए समर्पित जीवन था, और इतनी हाई ली एजुकेशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारी अपनी शक्ति सामर्थ्य ये पार्टी के काम के अंदर लगाई, और इसलिए उनकी पुण्यतिथि को हम समर्पण दिवस के रूप में वो मनाते हैं, और इसलिए आज ये समर्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। जैसे अभी तक जानकारी मिली है तो आज दोनों जगह जो कार्यक्रम थे, यहाँ लगभग 11 लाख के करीब की घोषणाएं हुई हैं और वहाँ पे भी घोषणाएं हुई हैं। आज से इस बात को प्रारंभ किया है और आने वाले 10 दिन के अंदर हम इस काम को पूरा कर लेंगे। जहाँ तक दीनदयाल जी का सवाल है, तो उन्होंने एक नया जो राजनीतिक चिंतन दिया, अर्थ चिंतन दिया, और इस देश की राजनीति ये भारतीय विचारों के आधार के ऊपर चलना चाहिए, इस बात के लिए जो सैद्धांतिक पक्ष का प्रतिष्ठान ये दीनदयाल जी ने किया, और उसी के आधार के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अंत्योदय ये दीनदयाल जी का स्वप्न था, और इसलिए देखें कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें बनी हैं उन्होंने गरीब वर्ग के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं, उसके पीछे दीनदयाल जी थे। ऐसे दीनदयाल जी के पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर मैं उनको सभी कार्यकर्ताओं को उससे विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और उनका जीवन ये हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम हमेशा करता रहेगा, ऐसा मेरे को विश्वास है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।